देखिए, उमेश सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया है और मुझे लगता है कि धरौंधा में जो स्नेह प्यार मोहब्बत उनको मिल रहा है वहाँ उमेश सिंह जी चुनाव जीतेंगे। बाकी लोग वहाँ लड़ रहे हैं नंबर 2 और 3 के लिए, और इस सरकार से भी जो जनता त्राहिमाम बिहार के अंदर चिल्ला रही है उससे भी मुक्ति पाना चाहती है, क्योंकि अभी जो बिहार की राजधानी पटना में जो बाढ़ आया था तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय सुशील मोदी जी, वो अपने घर के बगल के लोगों का मदद नहीं कर पाए और बाढ़ में से अपने चुपके से निकलकर और गायब हो गए। ऐसे गायब हुए कि जैसे लगा कि उनका पते नहीं चल पाया एक सप्ताह तक कि कहाँ गायब हो गए। तो ये जो जुमलेबाजों और अपराधी और बलात्कारियों का जो ढकोसलाबाजों का जो सरकार है उससे बिहार की जनता काफ़ी ऊब चुकी है, और जनता चाहती है जिस तरह से एक युवा नेतृत्व बिहार को मिला है, वो चाहती है कि युवा नेतृत्व के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने बिहार का। इससे काफ़ी उम्मीद लगाकर बिहार के किसान, मजदूर, नौजवान और बुजुर्ग सारे लोग एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि जब तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तब जाकर के बिहार का कल्याण होगा और नौजवानों को और रोजगार मिलेगा। इस सारे मुद्दे पर धरौंधा उपचुनाव हो रहा है, तो नीतीश कुमार जी को सब लोग जान चुके हैं कि ये जो हैं बिहार में जिनको कहा जाता है रामविलास पासवान जी को कि मौसम वैज्ञानिक हैं, उनके ये दादा हैं मौसम भापने में। ये कभी आरजेडी के साथ मिलकर के सत्ता में आ गए, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। शराबबंदी आज बिहार में कहीं नहीं है, हर जगह शराब उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के आवास में भी मुझे लगता है कि शराब उपलब्ध हो रहा है, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो हर बिंदु पे अभी के डेट में बिहार सरकार फेल्यूर है। और हमारे ही पार्टी के एक मेरे मित्र हैं, उनको मैंने बहुत समझाया था, शैलेंद्र यादव जी, बहुत पहले नहीं 9 महीना पहले आरजेडी ज्वाइन किए थे, उनके पिताजी जेडीयू में एमएलसी हैं, और उनका और अजय सिंह का ये सेटिंग है कि किसी तरह से यहाँ आरजेडी को हरा देना है, और आरजेडी को हरा करके, और ये सिवान जिला है जो यहाँ के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जिला है, यहाँ हेना साहब अभी चुनाव लड़ी थी, उनका जो लोकप्रियता है उसको कम कर दिया जाए। लेकिन मैं धरौंधा के जनता से आग्रह निवेदन करूंगा, विशेष करके मैं कृष्ण का वंशज हूँ, यादव समुदाय से मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि आप लोग किसी के बहकावा में नहीं आए और अपना एक एक कीमती वोट आरजेडी को दें और आरजेडी को यहां से चुनाव जिताएं, कि पूरे बिहार में एक मैसेज जाए कि सिवान में उपचुनाव आरजेडी ने जीत लिया। क्योंकि नीतीश कुमार जी यहां जिसको टिकट दिए हैं वो बड़ा अपराधी भी नहीं है, और 2002 में वो कार्बाइन के साथ धराया था, इसको पुलिस रिकॉर्ड में भी हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमेशा सिवान के लोगों के साथ छलने का काम किया, क्योंकि उन्होंने फिर धरौंधा में उसी अपराधी को टिकट दे करके और चुनाव के आग में झोंक दिया। इसलिए वहां की जनता चाहती है कि यहां से चुनाव आरजेडी जीते और जीत करके जाए और बिहार में तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करें। 2020 का टेलर है, इसीलिए मैं अपने समाज के लोगों से विशेष करके आग्रह निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि वो लोग किसी के बहकावा में नहीं आए और अपना एक एक कीमती वोट आरजेडी को दें, क्योंकि ये उमेश सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव लड़ रहे हैं, माननीय यहाँ से हेना साहब ये चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि सबका प्रतिष्ठा है। इसलिए मैं बार बार आग्रह करूंगा, विशेष करके यादव समाज के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि बहुत तरह के लोग आएंगे, लोभ लालच देंगे, पैसा कौड़ी से भी वोट को तोड़ने का काम करेंगे,
आखिर यहाँ आरजेडी चुनाव हार जाए, इसलिए हमारे नेता ने जिसको भी उम्मीदवार बना दिया हम उसके साथ मजबूती के साथ लाग करके आरजेडी को मदद करेंगे। और यहाँ से आरजेडी जीतेगा तो तेजस्वी जी चुनाव जीतेंगे, लालू यादव की पार्टी जीतेगी, यहाँ हेना साहब का हाथ मजबूत होगा। इसलिए मैं धरौंदा विधानसभा के तमाम नौजवान, मेरे अभिभावक और यादव समाज, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि भाई आप लोग किसी के बहकावा में नहीं आए, एकदम आंख बंद करके और आरजेडी को वोट दें कि यहां से ये ढोंगियों का सफाया हो।